फिजिक्स के चतुर्भुज बैच के लेक्चर्स की सीरीज में आज हम पढ़ने वाले हैं आवेशन की विधियाँ कि किसी वस्तु को आवेशित करने की कितनी विधि हो सकती है, कितने तरीके से हम किसी वस्तु को आवेशित कर सकते हैं। तो आइए हम पहले देखते हैं ये टर्म जो है आवेशन, इसका मतलब क्या होता है। तो आवेशन मतलब होता है किसी वस्तु को आवेशित करने की प्रक्रिया ही आवेशन कहलाती है। क्या मैंने कहा? किसी वस्तु को आवेशित करने की प्रक्रिया ही आवेशन कहलाती है। हाँ, सही सुन रहे हैं आप। देखो हम क्या लिखेंगे, अगर एग्जाम में आता है आवेशन क्या है, ये जो अपनी सीरीज है चतुर्भुज सीरीज है ये टोटली बोर्ड लेवल एग्जाम बेस्ड है, इसलिए आपको यहाँ पर वैसी चीजें बताई जाएंगी जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, कैसे लिखना है ये भी बताया जाएगा। तो हम क्या बता रहे हैं, अगर एग्जाम में आता है कि आवेशन क्या है, आवेशन की प्रक्रिया क्या होती है, तो आप क्या लिख कर आओगे, किसी वस्तु को आवेशित करने की प्रक्रिया ही आवेशन कहलाती है। समझ में आई बात? अब बात आती है कि हाँ सर ये तो डेफिनेशन हो गई, ये आवेशन होता क्या है? तो भाई किसी वस्तु को इलेक्ट्रॉन देना या किसी वस्तु से इलेक्ट्रॉन लेना, यही तो है ना आवेशन। अगर हम किसी वस्तु को इलेक्ट्रॉन देते हैं या किसी वस्तु से इलेक्ट्रॉन लेते हैं तो वही प्रक्रिया क्या कहलाती है? आवेशन। वही प्रक्रिया क्या है? आवेशन है। ठीक है ना, समझ में आ रही बात? आगे बढ़ते हैं। अब हम ये देखेंगे कि आवेशन की विधियां कितनी है। ये तो हो गया इलेक्ट्रॉन का लेना, इलेक्ट्रॉन का देना हो गया। अब हमें तो जानना ये है कि कितने तरीके से आवेशन किया जाता है। तो आइए हम देखते हैं, आवेशन की मुख्य रूप से दो विधियां होती हैं। किसी भी वस्तु को आवेशित करने की कितनी विधियां होती हैं, कितनी होती हैं? हाँ सही सुन रहे हो आप, दो विधियां होती हैं। तो भाई दो विधियां होती हैं, कौन कौन सी हैं बताएं? चलो भाई हम जानते हैं कि दोनों विधियों में पहली विधि कौन सी है। तो देखो आप किसी भी वस्तु को दो तरीके से आवेशित कर सकते हैं। एक तो होता है वस्तुओं को संपर्क मिलाकर, और दूसरी विधि है बिना संपर्क के। समझ में आ रही ना बात? एक क्या है आवेशन के प्रकार में क्या पढ़ेंगे हम लोग, एक तो होता है संपर्क द्वारा आवेशन, एक प्रेरण द्वारा आवेशन। समझ रहे हो बात को ना? एक होता है संपर्क द्वारा आवेशन, दूसरा होता है प्रेरण द्वारा आवेशन। और यही जो प्रेरण द्वारा आवेशन है इसका मतलब है बिना संपर्क के आवेशन। इसमें वस्तुओं को संपर्क में नहीं लाया जाता है, बिना संपर्क के हम वस्तुओं को आवेशित कर देते हैं। क्या कर देंगे? बिना संपर्क के वस्तुओं को आवेशित करेंगे। आप देखते जाओ, अभी सब कुछ समझ में आने वाला है कि क्या होगा, कैसे होगा। ठीक है ना, आप आगे देखते हैं भाई। अब हमने तो दो भागों में बांट दिया कि आवेशन दो तरीके से होता है, एक तो संपर्क, वस्तुओं को संपर्क मिलाएंगे तब आवेशन होगा, एक बिना संपर्क के मतलब प्रेरण द्वारा आवेशन होगा। बट जो संपर्क द्वारा आवेशन है उसको भी दो भागों में बांटा गया है। क्या बोला? जो संपर्क द्वारा आवेशन है उसको भी दो भागों में बांटा गया है। पहला भाग है घर्षण द्वारा आवेशन और दूसरा भाग है चालन द्वारा आवेशन। ठीक है ना, कुल मिलाकर आवेशन की कितनी विधियां हो गई, एक तो हो गया घर्षण द्वारा आवेशन, दूसरा हो गया चालन द्वारा आवेशन, एंड नंबर 3 हो गया प्रेरण द्वारा आवेशन। आई थिंक यहाँ तक आपको बात समझ में आती है। अब हम देखने वाले हैं घर्षण द्वारा आवेशन क्या होता है, चालन द्वारा आवेशन क्या होता है, एंड प्रेरण द्वारा आवेशन क्या होता है। हम लोग एक एक स्टेप पढ़ेंगे और अच्छे से समझेंगे, और जैसे मैंने लिखा है आपको ऐसे ही बोर्ड एग्जाम में लिख कर आना है, पॉइंट पॉइंट बाय पॉइंट आपको लिख कर आना है। ठीक है ना, समझ में आई बात? आइए देखते हैं सबसे पहले घर्षण द्वारा आवेशन क्या होता है। सबसे पहले क्या देखेंगे हम, घर्षण द्वारा आवेशन क्या होता है। घर्षण मतलब आई थिंक आप समझते होंगे, फ्रिक्शन मतलब घर्षण क्या है, जब हम किसी एक वस्तु दूसरी वस्तु पर रगड़ रही होती है, वही तो घर्षण है भाई। एक वस्तु का दूसरी वस्तु पर रगड़ना ही क्या है, घर्षण है कि नहीं। अगर मैं मार्कर क्या करूँ, मार्कर को ऐसे ऐसे रगड़ूँ, क्या है यही तो है घर्षण, यही क्या है, यही घर्षण है। तब इसमें क्या करेंगे भाई, घर्षण वाली विधि में हम दो वस्तुओं को आपस में रगड़ते हैं। घर्षण वाली विधि में क्या करेंगे, दो वस्तुओं को आपस में रगड़ेंगे। और जब हम दो वस्तुओं को आपस में रगड़ते हैं तो उसकी वजह से, रगड़ने की वजह से वस्तुएं आवेशित हो जाती हैं। वो भी एक वस्तु नहीं होती, जिन दो वस्तुओं को आप रगड़ोगे दोनों आवेशित हो जाएंगे। लाइक हमारे पास दो मार्कर है, हमारे पास क्या है दो मार्कर है, एक ये दोनों को क्या करेंगे, चिपकाएंगे, उसके बाद रगड़ेंगे, क्या करेंगे, जोर जोर से रगड़ेंगे। तो इसका मतलब क्या हो गया, रगड़ने से क्या होगा, दोनों वस्तुएं आवेशित हो जाएंगी। दोनों वस्तुएं क्या होंगी, दोनों वस्तुएं आवेशित हो जाएंगी। ठीक है ना, ये भी आवेशित हो जाएगी। ऐसा कभी भी नहीं होगा कि हम दो वस्तुओं को रगड़ें और केवल एक वस्तु आवेशित हो, ऐसा कभी नहीं होने वाला। समझ में आई बात, जब भी हम दो वस्तुओं को रगड़ेंगे दोनों वस्तुओं पर आवेश आएगा, दोनों वस्तुएं आवेशित होंगी। समझ में आई बात? जैसा कि आप लोग, एक एग्जाम्पल बताता हूँ जो आप जानते होंगे, आपने कभी ऑब्जर्व किया है, जब आपने अपने सूखे बाल पर आप कंघा करते हो, क्या करते हो, कंघा मतलब कॉम करते हो, जब बाल कंघा करते हैं ना, तो जो कंघा होता है बार बार हमारे बाल में रगड़ने से वो भी आवेशित हो जाता है। क्या हो जाता है,
आवेशित हो जाता है। अगर आपने कभी ट्राई किया हो तो अच्छी बात है, नहीं किया हो तो करना। तो मैंने क्या बताया, कंघा क्या हो गया, आवेशित हो गया। अब उस कंघे को आप कागज़ के छोटे छोटे टुकड़ों के पास अगर ले जाएंगे ना, उस कंघे को कागज़ के छोटे छोटे टुकड़ों के पास ले जाएंगे तो कंघा जो होगा कागज़ के टुकड़ों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है, अपने में चिपका लेता है। तो कंघे में कागज़ को चिपकाने का गुण कहाँ से डेवलप हुआ, क्योंकि कंघा आवेशित हो चुका है। और आवेशित कैसे हुआ है, घर्षण द्वारा हुआ है। घर्षण मतलब रगड़ने से हुआ है। कहाँ से रगड़ा हमने, बाल से रगड़ा। इसका मतलब हमारा बाल भी आवेशित हो जाता है उस टाइम पे। क्या होता है, कंघा भी आवेशित हो जाता है और हमारा बाल भी आवेशित हो जाता है। मैं आपको और एग्जाम्पल देता हूँ और ऐसे एग्जाम्पल दूंगा उनके बारे में आप एकदम खतरनाक तरीके से जानते हो, हर कोई जानता है उनके बारे में, कभी ऑब्जर्व नहीं करते हम लोग। हम लोग कपड़ा प्रेस करते हैं ना, कपड़े प्रेस किए हो, स्त्री बोलते हैं इसको, कपड़े प्रेस किए हो ना, जाना कभी क्या करना, आप एक पैंट लेना, पैंट को प्रेस करना। पैंट प्रेस करते हैं तो क्या होता है, हम जो स्त्री होती है जो प्रेस होता है उसको क्या करते हैं, उसको रगड़ते हैं ना कपड़े पे, कपड़े पर रगड़ते ही तो है। जब कपड़े पर रगड़ते, जब आप 3-4 बार ऐसे रगड़ देना प्रेस को, 3-4-5 बार ऐसे रगड़ देना, जब प्रेस हो जाए कपड़ा, कपड़ा कैसे प्रेस होगा, प्रेस से रगड़ने पे, जब कपड़ा प्रेस हो गया, आई मीन पैंट जो था आपका प्रेस हो गया, उसके बाद उस पैंट के पास आप अपना हाथ ले जाना, ऐसे उस पैंट के पास अपना हाथ ऐसे ले जाना, देखना क्या होगा, आपके जो रोंगटे हैं ना, जो ये रोए हैं उठने लगेंगे। क्या होगा, पैंट इन रोओं को, पैंट जो होगा इन रोओं को अपनी तरफ खींचेगा, जो पैंट होगा इन रो, जो रोए होते हैं, जो बाल हैं अपने हाथ में, हाथ में जो बाल हैं, पैंट इनको अपनी तरफ खींचेगा, क्योंकि वहां पर भी हम रगड़ रहे होते हैं। क्या कर रहे होते हैं, रगड़ रहे होते हैं, और वही होता है फ्रिक्शन। हमने क्या बोला, रगड़ने से क्या हो जाता है, वस्तुएं आवेशित हो जाती हैं, वस्तुओं को रगड़ने से वस्तुएं आप क्या हो जाएंगी, आवेशित हो जाएंगी। तो वहां पर अपना जो पैंट है वो भी आवेशित हो जाता है, समझ में आई बात, उसमें आवेश आ जाता है, इसीलिए वो हमारे रोगों को, हमारे बाल, हाथ के बालों को अपनी तरफ आकर्षित करता है। तो उसी को बोलते हैं क्या, घर्षण बोलते हैं उसी को। रगड़ना ही क्या है, घर्षण है, साइंटिफिक लैंग्वेज में, विज्ञान की भाषा में इसे क्या बोला जाता है, घर्षण बोला जाता है। तो आप देखते हैं क्या होता है, देखो घर्षण विधि में एक तो ये बात होगी समझने की, बहुत कुछ है समझाने के लिए, बट जो अपना अभी सेशन चल रहा है हम बोर्ड लेवल पे पढ़ रहे हैं। अगर आपको डीप में स्टडी करनी होगी तो फिजिक्स का हमारे, आप प्लेलिस्ट में जाओगे तो आपको फिजिक्स का के और लेक्चर मिलेंगे, जो चतुर्भुज बैच है इसके अलावा, चतुर्भुज बैच है ये केवल, ये टोटली बेस्ड है बोर्ड लेवल एग्जाम पे, ठीक है ना। इसमें तो नहीं बताया जाएगा जितना आपको बोर्ड में टॉप करा सके, ठीक, आई बात समझ में। तो आइए देखते हैं घर्षण द्वारा आवेशन क्या है। तो हमने क्या लिखा है, इस विधि में एक वस्तु को दूसरी वस्तु से रगड़ा जाता है। क्या करेंगे हम, एक वस्तु को दूसरी वस्तु से रगड़ेंगे, फिर जिससे एक वस्तु से दूसरी वस्तु में इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित हो जाएंगे। क्या होगा, जब हम कंघे को बाल से रगड़ते हैं तो बाल से कंघे में इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं, समझ में आई बात, कंघे से बाल में इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं। वही यहाँ पर हुआ, एक जब हम इस घर्षण वाली विधि में एक वस्तु को दूसरी वस्तु से रगड़ने पर, एक वस्तु से दूसरी वस्तु को रगड़ने पर, एक वस्तु से दूसरी वस्तु में इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित हो जाते हैं, समझ में आई बात, ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं भाई, अब देखो हमारे पास क्या है, हमारे पास दो वस्तुएं भाई, एक वस्तु है ए, दूसरी वस्तु है बी। एक वस्तु क्या है, एक वस्तु ए है, दूसरी वस्तु बी है। हमने दोनों को, ए और बी को पास लाया, हमने क्या किया, हमने कहा भाई चलो, हमने ए को बुलाया और बी को बुलाया, दोनों को ले आए पास, खड़ा कर दिए भाई पास, लेकिन मेरा मन नहीं माना, फिर भी मैं पास लाया, फिर भी मन नहीं माना, मैंने कहा और पास लाऊंगा, हम और पास लाए, फिर इतना पास लाए कि चिपक गए दोनों। ए को चिपका दिया बी से, रगड़ दिया हमने, फिर ए को बी से चिपकाया और रगड़ दिया। अब देखो हमने क्या किया है, ए को बी से चिपकाया, ए को क्या किया, ए को बी से चिपकाया, हमने एक साइन बनाया हुआ है, इसका मतलब हमने इनमें क्या किया, इनको रगड़ रहे हैं, क्या कर रहे हैं इनमें, इनके बीच में घर्षण दे रहे हैं, घर्षण मतलब रगड़ रहे हैं, समझ में आई बात। अगर आप इस मार्कर को ए मानो, इस मार्कर को बी मानो, हमने इनको पास लाया, क्या किया, इनको फ्रिक्शन दे दिया, इनको रगड़ दिया। तो हमने क्या किया, इनको फ्रिक्शन दिया। फ्रिक्शन देने से क्या होता है, हम ये देखते हैं, जो ए था, जो ए वाली वस्तु थी, उसने दो इलेक्ट्रॉन दे दिया बी को, उसने क्या किया, दो इलेक्ट्रॉन का त्याग कर दिया, दो इलेक्ट्रॉन दे दिए बी को। इससे क्या हुआ, जो इलेक्ट्रॉन देगा उसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी आ जाती है, और जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है उसके पास इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो जाती है। मतलब ए ने इलेक्ट्रॉन दिया, जो इलेक्ट्रॉन देता है उस पर धन चार्ज आ जाएगा, क्या आ जाएगा, धनावेश आ जाएगा, जो इलेक्ट्रॉन लिया उस पर ऋणावेश आ जाएगा। जो लेता है उसे, जो आप अगर उधार लेते हो, जो उधार लेता है वही तो ऋणी होता है ना। मतलब बी क्या हो रहा है, बी उधार ले रहा है, किससे ले रहा है, ए से ले रहा है, बी ने उधार ले लिया दो इलेक्ट्रॉन, मतलब बी क्या हो गया, ऋणी हो गया। इसका मतलब जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा उस पर ऋण आवेश आ जाता है। वही हम यहाँ लिखे हैं, जो वस्तु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती है
उस पर ऋण आवेश आ जाता है, तथा जो वस्तु इलेक्ट्रॉन का त्याग करती है उस पर धन आवेश आ जाता है। तो ए ने क्या किया, ए ने इलेक्ट्रॉन का त्याग किया इसलिए उस पर धन आवेश आ गया। मतलब जो ऑब्जेक्ट होगा, जो ए है, ऑब्जेक्ट ए है, इस पर धन, ये क्या है, धन आवेशित है, ये क्या है, ये धन आवेशित हो गई क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन का त्याग किया है, धन आवेशित हो गई। और जो ऑब्जेक्ट बी था, इसने दो इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए, ये क्या हो गई, ऋण आवेशित हो गई। समझ में आई बात ना, ये ऋण आवेशित हो गई। आई थिंक आपको इतनी बात समझ में आई होगी कि ये धरे जो ए था वो धनावेशित क्यों हुआ, बी ऋण आवेशित क्यों हुआ, क्योंकि ए ने इलेक्ट्रॉन त्याग दिया, जिस जो त्याग करता है उस पर धन आवेश आता है और जो ग्रहण करता है उस पर ऋण आवेश आता है। तथा एक बात आपको जरूर याद रखनी है, ए पर जितना धन आवेश आएगा बी पर उतना ही ऋण आवेश आएगा। समझे मित्रों, समझ में आई बात ना मित्रों, ध्यान दो क्या होगा, ए पर जितना धन आवेश आएगा बी पर उतना ही ऋण आवेश आएगा। घर्षण में ही बात आपको याद रखनी है, घर्षण द्वारा आवेशन में आपको क्या याद रखना है, आपको इतना याद रखना है कि एक वस्तु पर जितना धन आवेश आएगा दूसरी वस्तु पर उतना ही ऋण आवेश आएगा। समझ में आई बात, आगे बढ़े। अगर सपोज करो ए पर 10 धन आवेश आया होता तो बी पर 10 ऋण आवेश आता, ए पर 100 धन आवेश आया होता तो बी पर 100 ऋण आवेश आता। आई थिंक बात आपको समझ में आ रही है। भाई आपको बात समझ में आ रही है, हम आगे बढ़ते हैं, आओ आगे देखते हैं। दूसरा है चालन द्वारा आवेशन, क्या है दूसरा, चालन द्वारा आवेशन। अब देखो इसमें क्या करेंगे, अब देखो हमने क्या बताया, घर्षण द्वारा जो आवेशन पढ़ रहे थे इसमें भी वस्तु को क्या संपर्क में ला रहे थे, क्योंकि ये क्या है, संपर्क द्वारा आवेशन के टाइप्स है ना, घर्षण द्वारा और चालन द्वारा। चालन विधि में क्या करेंगे, इसमें भी वस्तुओं को संपर्क में लाएंगे, इसमें भी वस्तुओं को संपर्क में लाएंगे। एक बात अभी हमने घर्षण में देखा था, जो दोनों वस्तुएं होती थी विपरीत आवेशित होती थी, एक पर धन आवेश आता था तो दूसरे पर ऋण आवेश आता था, बट चालन में क्या होता है, आइए देखते हैं। आवेशन की इस विधि में एक आवेशित वस्तु को, जो चालन की ये विधि है, आवेशन की जो विधि है चालन, चालन में क्या करते हैं, एक आवेशित वस्तु को किसी उदासीन वस्तु के संपर्क में लाते हैं। क्या करेंगे, इस एक उदा जैसे हमने देखा घर्षण में क्या किया था, घर्षण में दोनों वस्तुएं उदासीन थी, दोनों उदासीन वस्तु को हमने क्या किया, दो उदासीन वस्तुएं ली, उनको रगड़ा। बट चालन में क्या होगा, चालन में एक वस्तु उदासीन होगी, चालन में क्या होगा चालन में केवल एक वस्तु उदासीन होगी, दूसरी वस्तु आवेशित होगी। तो यहाँ पर देखना जो हमने स्टेटमेंट लिखा है, आवेशन की इस विधि में एक आवेशित वस्तु को उदासीन वस्तु के संपर्क में लाया जाता है, जिससे आवेशित वस्तु से उदासीन वस्तु में इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित हो जाते हैं। हम क्या करेंगे, एक आवेशित वस्तु को दूसरी उदासीन वस्तु के संपर्क में लाएंगे, जिससे आवेशित वस्तु से उदासीन वस्तु में इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण हो जाएगा। समझ में आई बात, और आवेश का प्रवाह तब तक बना रहता है जब तक कि दोनों वस्तुओं का विभव बराबर न हो जाए। मतलब इलेक्ट्रॉन तब तक जाते रहेंगे, जब इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण तब तक होता रहेगा जब तक कि उदासीन वस्तु पर आवेश विभव बराबर न हो जाए। एक मिनट पानी पीता हूँ, फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक, तब तक आप स्क्रीनशॉट ले लो। ओके बच्चा लोग, हम क्या पढ़ रहे थे, हाँ आवेशित, हम क्या करेंगे इतना देखो, हम करेंगे क्या, हमारे पास एक आवेशित वस्तु होगी और एक उदासीन वस्तु होगी, दोनों को लाएंगे संपर्क में। चलो हम इनको संपर्क में ला दिए, हमने इनको तार से जोड़ दिया। अब क्या होगा, जो आवेशित गोला था आवेशित गोले से जो आवेश होगा वो उदासीन वस्तु में जाएगा। आवेशित हम क्या करेंगे चालन में, हम चालन में दो वस्तुएं लेंगे, एक तो उदासीन होगी दूसरी आवेशित होगी। क्या होगी, एक आवेशित वस्तु लेंगे दूसरी उदासीन वस्तु लेंगे। समझ में आई बात, फिर दोनों को क्या करेंगे संपर्क में लाएंगे, क्या करेंगे संपर्क में लाएंगे। चलो भाई हमने दो वस्तुएं ली, फिर इनको संपर्क में लाया, संपर्क में लाने से क्या होगा, जो आवेशित गोला होगा उससे उदासीन गोले की तरफ इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होगा। मतलब जो आवेशित गोला होगा वो इलेक्ट्रॉन्स उदासीन गोले की तरफ भेजेगा, प्रवाह होगा। जैसे हम आपको समझाते हैं, सपोज करो हमारे पास सपोज करो एक ये टैंक है और ये दूसरा टैंक है, इस टैंक में क्या भरा है पानी भरा है पूरा, यहाँ तक पानी भरा है पूरा, ये टैंक पूरा खाली है,
ये टैंक पूरा खाली है, अब हम बोलेंगे इनको एक पाइप से जोड़ दो, क्या कर दो इनको एक पाइप से जोड़ दो। पाइप से जोड़ने पर क्या होगा, पाइप से जोड़ने पर क्या होगा, इस वाले टैंक ए से टैंक ए से टैंक बी में पानी जाएगा कि नहीं जाएगा, जिसमें पानी है उसी में से तो जाएगा, टैंक ए से टैंक बी में पानी जाएगा, टैंक ए से टैंक बी में पानी जाएगा, और पानी जाए, चलो पानी आने लगा, जो वाटर है आने लगा, वाटर आ रहा है आ रहा है आ रहा है, कितनी देर तक आएगा भाई, ऐसा तो है नहीं दिन रात बहता रहेगा, कुछ टाइम होगा ना, तो वाटर वाटर टैंक ए से टैंक बी में कब तक आएगा, तब तक आएगा जब तक कि दोनों के लेवल बराबर ना हो जाए, जब तक कि दोनों में पानी का लेवल बराबर ना हो जाए, क्योंकि दोनों टैंक का आकार समान है, दोनों टैंक का आकार समान है, तो पानी टैंक ए से टैंक बी में तब तक जाएगा जब तक कि दोनों में पानी का लेवल बराबर ना हो जाए, मतलब यहाँ से ऐसे पानी का लेवल यहाँ कम होगा, जितना लेवल इसमें रहेगा उतना ही लेवल इसमें रहेगा, समझ गया ये बात, जब लेवल बराबर हो जाएंगे तो पानी का जाना बंद हो जाएगा, पानी का प्रवाह बंद हो जाएगा, तो पानी कब टैंक ए से टैंक बी में कब तक गया, जब तक दोनों के तल बराबर नहीं हो गए, जब तक दोनों में पानी का लेवल बराबर नहीं हो गया, वैसे ही यहाँ पर भी होगा बच्चा, हमने अगर हम बोलें नहीं, बात ध्यान रखना है, दोनों गोले समान आकार के हैं, दोनों गोले क्या हैं, समान आकार के हैं, जब गोले समान आकार के होंगे, जब गोले समान आकार के होंगे तो क्या होगा, इस आवेशित गोले से उदासीन गोले में क्या जाएगा, इलेक्ट्रॉन जाएगा, और तब तक जाएगा जब तक कि उदासीन गोले पर आवेश की मात्रा बराबर ना हो जाए, मतलब जैसे यहाँ पानी जा रहा था ना इसमें, कब तक गया, जब तक कि दोनों में पानी बराबर नहीं हो गया, मतलब अगर इस पर 10 आवेश है, इस पर 10 प्लस चार्ज है, अगर इस पर 10 प्लस चार्ज है तो 10 में से इस पर तब तक जाता रहेगा जब तक कि दोनों पर बराबर ना हो जाए, बराबर मतलब इस पर भी 5 प्लस हो जाए और इस पर भी 5 प्लस हो जाए, समझ में आई बात, समझ रहे हो बात को, समझ में आ रही है बात कि क्या होगा, आवेशों का प्रवाह तब तक बना रहता है जब तक कि दोनों वस्तुओं का विभव बराबर ना हो जाए, विभव मतलब विभवांतर, कि दोनों वस्तुओं के विभव में अंतर क्या हो, विभव में अंतर मतलब बराबर आवेश, अगर किन्हीं दो वस्तुओं पर आवेश की मात्रा बराबर है इसका मतलब विभवांतर क्या आएगा, जीरो आएगा, विभव में कोई अंतर होगा नहीं होगा ना, विभवांतर समझते हो भाई, विभवांतर क्या होता है, बी ए माइनस बी बी या बी बी माइनस बी ए कर लो, मतलब इस पर कितना विभव है, इस पर 5 आवेश है, इस पर भी 5 आवेश है, दोनों पर विभव बराबर होंगे ना, विभव बराबर होगा इसका मतलब क्या है, विभवांतर जीरो है, समझ में आई बात, इसका मतलब दोनों वस्तुओं पर विभव क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, मतलब आवेश का प्रवाह तब तक बना रहता है जब तक कि दोनों वस्तुओं का विभव बराबर ना हो जाए, समझ रहे हो बात को, तो यहां से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होगा, मान लो इस पर 6 इलेक्ट्रॉन है तो इस पर दोनों पर 3-3 इलेक्ट्रॉन्स बट जाते हैं, ठीक है, ये वस्तु क्या हो जाएगी, मान लो इस पर भी क्या हो गया, ये वस्तु भी आवेशित हो गई, ये वस्तु भी आवेशित हो गई, तो दोनों को अलग करो, दोनों को अलग करेंगे तो क्या हो जाएगा, इस पर भी 3 आवेश आएगा और इस पर भी 3 आवेश आ जाएगा, समझ में आई बात, दोनों को जैसे हम पानी के टैंक को अगर अलग अलग कर दे तो क्या हो गया, जितना पानी इसमें है उतना ही पानी इसमें है, लेकिन पहले तो बी वाला खाली था ना, वैसे ही पहले उदासीन गोले पर कोई आवेश नहीं था, लेकिन जो आवेशित गोला था उसने उदासीन गोले को आवेश दिया, और फिर कितना दिया, जितना उसके पास था उसका आधा आवेश दे दिया, इसीलिए इस पर 6 आवेश था तो 3 इस पर हो गया, 3 आवेश इस पर हो गया, 3 आवेश उदासीन गोले पर हो गया, समझ में आई बात, एक चीज ध्यान रखना, जब हम पढ़ रहे होते हैं घर्षण द्वारा, इसमें क्या होता है, दोनों वस्तुओं पर विपरीत आवेश आता है, एक धनावेशित वस्तु हो जाती है, एक वस्तु ऋणावेशित हो जाती है, लेकिन जब हम पढ़ेंगे चालन द्वारा आवेशन में ऐसा नहीं होता, चालन द्वारा आवेशन में आपका गोला अगर धनावेशित है तो दूसरा उदासीन गोला भी धनावेशित हो जाएगा, अगर आपका आवेशित गोला ऋणावेशित लोगे, अगर हमने यहाँ पर ऋणावेशित गोला लिया होता तो यहाँ पर भी ऋणावेश आ जाता, समझ में आई बात, तो चालन द्वारा आवेशन में क्या होगा, जैसा आवेशित गोला लेंगे, जिस प्रकृति का अगर धनावेशित गोला ले रहे हैं तो उदासीन गोले पर भी धनावेशित आवेश आएगा, अगर ऋण आवेशित गोला ले रहे हैं तो उदासीन गोले पर ऋण आवेशित आवेश आएगा, समझ में आई बात, तो एक बार फिर से स्टेटमेंट पढ़ देता हूँ फिर आगे बढ़ते हैं कि आवेशन की इस विधि में एक आवेशित वस्तु को एक उदासीन वस्तु के संपर्क में लाया जाता है, जिससे आवेशित वस्तु से इलेक्ट्रॉन उदासीन वस्तु में चले जाते हैं, अब पूछो कि सर जी आवेशित वस्तु से उदासीन में क्यों जाते हैं भाई, और जिसके पास है वही तो देगा ना भाई, अब भाई आवेशित उसके पास इलेक्ट्रॉन है तभी तो जिसके पास कुछ नहीं उसको दे रहा है, उदासीन वस्तु के पास पहले क्या था, कुछ नहीं था ना, कोई आवेश नहीं था भाई, तो जिसके पास होता है वही तो देता है ना, जिसके पास था तो इसने दे दिया, जैसे यहाँ पर क्या था, इसके पास कोई पानी नहीं था तो इस वाले टैंक ने इसको पानी दिया, वैसे ही इस जब संपर्क में लाते हैं तो आवेशित वाला गोला उदासीन वाले गोले को दे देगा आवेश, और कितना आवेश देगा, जब तक कि दोनों पर विभव बराबर न हो जाए, और अगर इनका आकार समान है
आकार समान है तो क्या होगा, इनका विभव कब बराबर होगा, जब दोनों पर आवेश की मात्राएं बराबर हो जाएंगी। जब दोनों पर आवेश की मात्राएं बराबर हो जाएंगी तो समझ लो क्या होगा, इनके विभव भी बराबर होंगे। समझ रहे हो बात को? तो एक कण, ये बात भी आपको लिखना है, आवेश का प्रवाह तब तक बना रहता है जब तक कि दोनों वस्तुओं का विभव बराबर न हो जाए, जब तक कि दोनों वस्तुओं का विभव बराबर न हो जाए। आगे देखो, हम पढ़ने वाले हैं प्रेरण द्वारा आवेश। हमने अभी तक दो मेथड्स पढ़ लिए, वो भी कौन से, संपर्क द्वारा आवेशन में, है ना, संपर्क द्वारा आवेशन पढ़ लिए, मतलब घर्षण द्वारा आवेशन पढ़ लिए और चालन द्वारा आवेशन पढ़ लिए। अब हम पढ़ने वाले हैं मित्रों प्रेरण द्वारा आवेशन। कौन सा पढ़ेंगे? प्रेरण द्वारा आवेशन पढ़ेंगे। ठीक, देखते भाई प्रेरण द्वारा आवेशन क्या होता है। तो देखो, किसी वस्तु को हमने स्टार्टिंग में ही बताया था, प्रेरण द्वारा आवेशन में हम वस्तु को संपर्क में नहीं लाएंगे, कॉन्टेक्ट में नहीं लाएंगे, चिपकाएंगे नहीं, दूरी बनाए रखेंगे। ठीक है ना, किसी वस्तु को बिना छुए आवेश देने की प्रक्रिया, किसी वस्तु को बिना छुए आवेश देने की प्रक्रिया को ही प्रेरण द्वारा आवेशन कहते हैं। प्रेरण द्वारा आवेशन किसे कहते हैं? किसी वस्तु को बिना छुए आवेश देने की प्रक्रिया को ही प्रेरण द्वारा आवेशन कहते हैं। ठीक है ना। अब आओ भाई, हम क्या करेंगे, अब हम फिर से क्या मानेंगे, चलो हम मानते हैं हमारे पास क्या है, एक उदासीन वस्तु है। क्या है? अच्छा ये बताओ, उदासीन वस्तु पर भाई आवेश कितना होता है, बताओ उदासीन वस्तु पर आवेश कितना होता है? अभी कुछ महान विद्वानों का आंसर आएगा सिर्फ जीरो। अभी कहेंगे उदासीन वस्तु पर आवेश होता है जीरो, बहुत खतरनाक आंसर देंगे। लगता है भाई ऐसा लगेगा जैसे प्रमाण बम गिरा दिया, इतना खतरनाक आंसर देंगे। भाई ऐसा नहीं होता, हम आपको बता रहे हैं, आपको हम रियल वाला कॉन्सेप्ट बताने वाले हैं कि जो आवेशित वस्तु है उस पर आवेश जीरो नहीं होता, उस पर नेट आवेश जीरो होता है। क्या होता है? नेट आवेश जीरो। सपोज हमारे पास क्या है, एक, अगर हम इसको बोल रहे हैं उदासीन वस्तु है, क्या है ये कोई न्यूट्रल ऑब्जेक्ट है बच्चा, मतलब उदासीन वस्तु है। मैंने बोला ये गोला उदासीन वस्तु है, क्या बोला ये गोला उदासीन वस्तु है। अब ये गोला उदासीन वस्तु है, इसका मतलब ये नहीं है कि इसमें कोई आवेश नहीं है, इसमें आवेश है, कितना है वो मैं बता रहा हूँ। इसका मतलब ये है, इसमें जितना प्लस आवेश है, जिसमें जितना धन आवेश है उतना ही ऋण आवेश है, इसका मतलब ये होता है। किसी भी वस्तु में जितना धन आवेश होगा अगर उतना ही ऋण आवेश है तो वो गोला क्या हो जाएगा, उदासीन हो जाएगा। कोई भी वस्तु हो, सपोज ये मार्कर उदासीन है, इसका मतलब इसमें जितना धन आवेश है उतना ही ऋण आवेश है। अगर ये वाला मार्कर क्या है, उदासीन है, इसका मतलब इसमें जितना धन आवेश है उतना ही ऋण आवेश है। हमारे पास एक उदासीन वस्तु है, हमारे पास एक उदासीन गोला है, इसका मतलब क्या है, गोला उदासीन है, इसका मतलब ये हुआ इसमें जितना धन आवेश है उतना ही ऋण आवेश होगा। मतलब अगर इसमें मान लो ऋण आवेश है, मान लो 6 ऋण आवेश है तो 6 धन आवेश भी होगा। 1 2 3 4 5 6 मतलब इस गोले में जितना धन आवेश है, उतना ही ऋण आवेश होगा, तभी हम इसको उदासीन गोला बोलेंगे। कोई भी वस्तु हो, सपोज करो कोई हमारे पास वस्तु है, उसमें जितना धन आवेश है, अगर उसमें अगर धनावेश बराबर ऋण आवेश है, ठीक है ना, जितना धनावेश है उतना ही अगर ऋण आवेश है तो वस्तु उदासीन हो जाती है। कोई भी वस्तु हो, अगर उसमें जितना धनावेश है उतना ही ऋण आवेश होगा तो वो वस्तु उदासीन हो जाएगी। ठीक है ना। ठीक, चलो भाई अब आगे बढ़ते हैं। अब हम इसमें क्या करेंगे, आपको पता चला ना उदासीन मतलब क्या होता है, उदासीन वस्तु। हाँ, उदासीन वस्तु मतलब देखो नेट चार्ज, आप क्या बोलोगे, ये नहीं बोलोगे कि उदासीन वस्तु पर कोई चार्ज नहीं होता। आपको ये नहीं बोलना है, कि उदासीन वस्तु पर कोई चार्ज नहीं होता। आपको ये बोलना है कि वो उदासीन वस्तु पर चार्ज होता है, बट धन आवेश तथा ऋण आवेश जो चार्ज होते हैं, धन आवेश तथा ऋण आवेश की मात्राएं बराबर होते हैं। आपको ये बोलना है। ठीक, अब चलो भाई हमारे पास हम इस वाले उदासीन वस्तु को यहाँ ला रहे हैं, क्योंकि हमने क्या पढ़ा, किसी वस्तु को बिना छुए आवेश देने की प्रक्रिया को ही प्रेरण द्वारा आवेशन कहते हैं। इसमें हमारे पास एक धनावेशित वस्तु होगी और एक उदासीन वस्तु होगी, हम लाएंगे उसको कॉन्टेक्ट में। चलो भाई कॉन्टेक्ट में नहीं लाना है, मतलब हम इस उदासीन वस्तु को यहाँ ले आए, ये धनावेशित छड़ है और दूसरा क्या है, अपनी उदासीन वस्तु है। ये क्या है, अपनी एक उदासीन वस्तु है, ये धनावेशित छड़ थी और ये उदासीन वस्तु थी। अब क्या होगा, संपर्क इनको हम क्या ले आए, पास ले आए, छुआएंगे नहीं। तो देखो इनमें क्या होता है, इसमें जो धन आवेशित छड़ है, इसके प्रभाव से पता क्या होगा, इसके प्रभाव से ये बताओ धन आवेश जो होगा ऋण आवेश को अपनी तरफ आकर्षित करेगा धन आवेश को। भाई कोई भी आवेश हो हमेशा अपने से विपरीत आवेश को आकर्षित करता है ना। और इसमें क्या भरे पड़े हैं, इसमें 6 धन आवेश है, इसमें क्या है 6 धन आवेश हैं और 6 ऋण आवेश हैं। इसमें क्या है भाई, 6 धन आवेश हैं और
छह ऋण आवेश हैं, तो ये क्या करेगा, ये ऋण आवेश को अपनी तरफ खींच लेगा, जो ये धनावेश छड़ होगी, धनावेश छड़ होगी, ये विपरीत चार्ज को अपनी तरफ खींच लेगी ना, तो भाई चलो ये खींच लेगी तो क्या होगा, ये विपरीत चार्जेस जो होंगे, विपरीत आवेश जो होंगे, विपरीत आवेश को अपनी तरफ खींच लेगी तथा जो, समझ में आ रही बात ना, धन आवेश छड़ विपरीत चार्ज को अपनी तरफ खींचेगी तथा जो जो इसके समान चार्ज है उनको अपने से दूर भगा देगा, मतलब ये ऋण आवेश को अपनी तरफ खींच लेगा, जो धन आवेश छड़ है ये धन आवेश छड़ विपरीत चार्ज को अपनी तरफ खींच लेगा तथा समान चार्ज को दूर भगा देगा, क्योंकि समान चार्ज में क्या होता है, समान आवेशों में क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है, अगर प्लस प्लस क्या करते हैं भाई, दो चार्ज प्लस प्लस है क्या करते हैं, प्रतिकर्षण करते हैं, कहते ये प्लस चार्ज है, ये भी प्लस चार्ज है, क्या करेंगे प्रतिकर्षण, इसको दूर भगाएगा, ये इसको दूर भगाएगा, लेकिन ये क्या है, ये प्लस चार्ज है, और मान लो दूसरा गोला इसमें एक माइनस चार्ज, इसमें दो, एक माइनस चार्ज है एक प्लस चार्ज है, तो ये वाला प्लस क्या करेगा, कहेगा भाई माइनस वाला, माइनस वाले से तुम मेरे पास आ जाओ, और प्लस वाले को क्या कर देगा, दूर भगा देगा, वही यहाँ पर हुआ है, धनावेश छड़ ने क्या किया, ऋण आवेश को अपने पास बुला लिया, धनावेश छड़ ने बोला भाई तुम आ जाओ, ऋण आवेश से बोला भाई हमारी तुम्हारी बनती है, तुम्हारे पास आ जाओ, और धनावेश का बेटा दिखना मत मेरे पास, नहीं तो अच्छा नहीं होगा, भगाएंगे कंटाप देख, तो क्या कर रहा है ये, धनावेश छड़ जो थी ऋण आवेश को अपनी तरफ खींच लिया और धनावेश को भगा दिया दूर, वो भी धनावेश बेचारा डर गया, कह रहा हाँ भाई ना ना आएंगे तुम्हारे पास, बहुत दूर है, दूरी बना लिया इसने, तो ये यहाँ पर आ गया, इसका मतलब पता क्या हुआ, ये वस्तु क्या हो गई पता है, ये वस्तु हो गई पोलराइज्ड हो गई, क्या हो गई ये, इसका इस वस्तु का ध्रुवीकरण हो गया, क्या हो गया ध्रुवीकरण, ध्रुवीकरण मतलब दो ध्रुव बन गए ना, देख पा रहे हो यानी इसमें दो ध्रुव बन गए हैं, छह आवेश, छह धनावेश था ना, इसमें देखो दो ध्रुव बन गए, मतलब इधर ऋण आवेश आ गया, इधर धन आवेश आ गया, इधर ऋण आवेश आ गया, इधर धन आवेश पूरा फैल गया, इसका मतलब इस वस्तु का हो गया ध्रुवीकरण, तो प्रेरण में क्या होता है, जब एक धनावेशित वस्तु को दूसरी उदासीन वस्तु के पास लाते हैं, संपर्क में नहीं लाना है, यहाँ पर हम संपर्क में लाए थे, चालन द्वारा जब हम आवेशन कर रहे थे इसमें संपर्क में लाए थे, लेकिन प्रेरण द्वारा जब आवेशन करेंगे इसमें संपर्क में नहीं लाना है, संपर्क में नहीं लाना है, हम क्या करेंगे, जब एक हम आवेशित वस्तु के पास कोई उदासीन वस्तु लाते हैं तो उदासीन वस्तु का ध्रुवीकरण हो जाता है, क्या हो जाता है, क्या हो जाता है, जो उदासीन वस्तु होगी उदासीन वस्तु का ध्रुवीकरण हो जाएगा, तो यहाँ पर जो उदासीन वस्तु थी उसका हो गया ध्रुवीकरण, इतनी बात समझ में आई, चलो भाई इस वस्तु का हो गया है ध्रुवीकरण, आगे देखते हैं क्या होता है, अब आगे देखो भाई क्या होगा, ध्रुवीकरण हो गया, इसका मतलब इसमें क्या आ गया, माइनस चार्ज आ गया, इसे प्लस चार्ज आ गया, लेकिन ये वस्तु अगर इसको हम हटा दें, इसका ये वस्तु अभी भी उदासीन है, ये वाली वस्तु क्या है, ये वाली वस्तु अभी भी उदासीन है, क्योंकि इस पर अभी भी जो आवेश है उनकी मात्राएं बराबर है, इस पर अभी भी धन आवेश और ऋण आवेश की मात्रा बराबर है, तो हम क्या करेंगे, दूसरा स्टेप देखना है, तो पहला स्टेप था, दूसरा स्टेप देखो, दूसरे स्टेप में क्या होगा, दूसरे स्टेप में देखते जाओ, आप देखते जाओ, बस देख रहे हो ना भाई, मतलब छह धनावेश यहाँ था और छह ऋण आवेश यहाँ था, इसको हम ला देंगे संपर्क, इसको हम पृथ्वी के संपर्क में ला देंगे, किससे जोड़ देंगे इसको, हम इसको हम जोड़ देते हैं अर्थ से, कहाँ से जोड़ देंगे इसको, हम पृथ्वी से जोड़ देते हैं, कहाँ से जोड़ेंगे, अर्थ से जोड़ देते हैं, मतलब भू संपर्कित कर दिया हमने, क्या कर दिया, भू संपर्कित, इसको हमने कर दिया भू संपर्कित, हमने एक तार द्वारा उदासीन वस्तु को, हमने एक तार द्वारा उदासीन वस्तु को भू संपर्कित कर दिया, भू संपर्कित करने से क्या होगा, जो यहाँ पर धन आवेश है भाई, देखो जो ऋण आवेश है तो कहीं नहीं जाने वाला, जो ये ऋण आवेश है कहीं नहीं जाने वाला, क्योंकि धन आवेश ने उसको अपने पास रोक रखा है, उसको खींच रखा है, उस पर एक बल लगा रहा है, जो धन आवेश छड़ है, जो धन आवेश छड़ है ऋण आवेश छड़ पर क्या लगा रही है, एक फोर्स लगा रहा है, धन आवेश पर एक फोर्स अप्लाई कर रहा है, मतलब धन आवेश जो होगा इस ऋण आवेश को कहीं जाने नहीं देगा, जो धन आवेश होगा इस ऋण आवेश को कहीं जाने नहीं देगा, उसके अपने तरफ खींचा हुआ एक बल लगाकर, एक वैद्युत बल, आकर्षण बल, एक बल लग रहा है ना, आकर्षण बल लग रहा है, तो ये इसको खींचा हुआ है, लेकिन धन आवेश जो है धन आवेश को तो भगा रहा है, जो ये वाला धन आवेश है इस वाले धन आवेश को भगा रहे, दोनों समान आवेश है, इसका चले ये तो क्या बोल रहा है, बेटा भग जाओ मेरे पास दिखना नहीं, तो वो भी सोच रहा है भाई डर गया कर जा रहा हूँ भाई, डर गया है, तो ये क्या सोच रहा है, कोई हमें आ जाए लेने के लिए हम भाग जाएंगे, तो पृथ्वी से जैसे जोड़ेंगे तो जो धना आवेशन बेटा फुर हो जाएगा, ये भाग जाएगा, मौका मिला इस चौका मारेगा तुरंत, इसको जैसे पृथ्वी से जोड़ेंगे क्या होगा, ये कहाँ चला जाएगा, पृथ्वी में चला जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है, हम लोग सोचते हैं पृथ्वी में जाता है, ये पृथ्वी में नहीं जाएगा,
पृथ्वी से इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, पृथ्वी से क्या होगा, पृथ्वी से इलेक्ट्रॉन आएगा, पृथ्वी से जितना आवेश होगा यहाँ धन आवेश होगा उतने इलेक्ट्रॉन निकल कर आएगा, मतलब यहाँ से क्या आएगा, पृथ्वी से इलेक्ट्रॉन आएगा, इलेक्ट्रॉन आ रहा है, जितना ये धन आवेश था उतना इलेक्ट्रॉन आ गया, इसका मतलब क्या हो गया, छः धन आवेश थे, छः इलेक्ट्रॉन आया, इसका मतलब क्या हो गया, ये छः ये न्यूट्रल हो गए, धन आवेश खत्म हो गया अब यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर छः ऋण आवेश आ गया, जहाँ पर प्लस माइनस क्या होता है भाई, प्लस माइनस क्या हो जाता है, न्यूट्रल हो जाता है ना, न्यूट्रल हो जाता है, वैसे ही आवेश खत्म हो गया, क्योंकि जितना यहाँ पर छः धन आवेश था, छः इलेक्ट्रॉन पृथ्वी से निकल कर आ गए, तो क्या हुआ, छः इलेक्ट्रॉन पृथ्वी से निकल कर आ गए, इसको न्यूट्रल बना दिए, इसको खत्म कर दिए, इसका अस्तित्व खत्म हो गया, धन आवेश से बचा गया भाई, बचा क्या, अब हम क्या करेंगे, धन आप यहाँ से क्या करेंगे, हम इसको क्या करें, हमें आवेशित करना था ना, तो अभी क्या हुई, ये वस्तु आवेशित हो गई, हम क्या करेंगे, भूसंपर्क हटा लेंगे, नेक्स्ट स्टेप पे भूसंपर्क हटा लेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, भूसंपर्क हटा लेंगे, तो यहाँ क्या बचेगा, माइनस आवेश बचेगा, ठीक है, भूसंपर्क हमने हटा लिया, तो यहाँ से हटा लिए, तो क्या बचा यहाँ पर, माइनस आवेश बचा, और माइनस आवेश क्या होगा, पूरे में फैल जाएगा, माइनस आवेश पूरे में समान रूप से वितरित हो जाएगा, समझ में आई बात, तो ये गोला क्या हो गया, आवेशित हो गया, क्या हुआ, ये उदासीन था पहले, अब आवेशित हो गया, एक बात आपको याद रखनी है, वो बात ये है, सबसे पहले आप इस छड़ को नहीं हटाना, इस छड़ को भी हटा लो, सबसे पहले आपको भूसंपर्क हटाना है, क्या करोगे, सबसे पहले आप भूसंपर्क हटाओगे, उसके बाद छड़ को हटाओगे, क्योंकि हमें करना क्या था, हम ये तो ये वाली छड़ धनावेशित तो पहले से आवेशित है, हमें एक उदासीन वस्तु थी उसको आवेशित करना था, तो उसको उदासीन वस्तु को आवेशित करने के लिए हम क्या करते हैं, धन आवेश के पास लाते हैं, हम उदासीन वस्तु को चालन प्रेरक द्वारा आवेशन में हम उदासीन वस्तु को आवेशित करने के लिए एक धनावेशित छड़ के पास लाते हैं, धनावेशित वस्तु के पास लाने पर उदासीन वस्तु का ध्रुवीकरण हो जाता है, जैसे यहाँ पर वस्तु का ध्रुवीकरण हो गया, ध्रुवीकरण मतलब प्लस आवेश एक तरफ हो गए, माइनस आवेश एक तरफ हो गए, इसका मतलब इसका ध्रुवीकरण हो गया, उसके बाद में ये अपने से विपरीत चार्ज को अपने से बांध लेता है, जो छड़ पर जो भी आवेश होगा ये अपने से विपरीत आवेश को अपने से बांध लेगा, मतलब यहाँ धन आवेश था तो इसने ऋण आवेश को अपने से बांध लिया और धन आवेश को खुला छोड़ दिया कि बेटा जाओ तुम्हारा जहाँ मन वहाँ जाओ, उसके बाद हम क्या करेंगे पृथ्वी से संपर्कित कर देंगे, पृथ्वी से भू संपर्कित कर दिए, उसके बाद पृथ्वी से इलेक्ट्रॉन्स आया, जितने प्रोटॉन जितने यहाँ पर धन आवेश थे उनको खत्म कर दिया, जितने भी धन आवेश होते हैं उतने पृथ्वी से इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं, ठीक है, उनको खत्म कर दिया, उसके बाद क्या करना था हमें, उसके बाद में यहाँ क्या बचा, इस गोले पर उदासीन वस्तु पर क्यों ऋण आवेश बचता है, ऋणा क्या बचेगा, उदासीन वस्तु पर उदासीन गोले पर क्यों ऋण आवेश बचता है, क्योंकि धन आवेश तो क्या पृथ्वी में, धन आवेश पृथ्वी के संपर्क में लाने से खत्म हो चुका है, अब क्या करेंगे, जैसे ही पृथ्वी का संपर्क हटाएंगे उसके बाद हम छड़ को भी हटा लेंगे, हमने पृथ्वी का संपर्क पहले हटाया उसके बाद में छड़ को हटा लिया, इससे क्या हो गया, एक गोला आवेशित हो गया, अभी विपरीत आवेशित हुआ है, ठीक है ना, तो आप एक चीज समझ रहे होंगे, एक चीज यहाँ से दिमाग में लाना बात, जब घर्षण द्वारा आवेशन करोगे, घर्षण द्वारा आवेशित करते हो तो दोनों वस्तुओं पर विपरीत आवेश आता है, प्रेरक द्वारा आवेशन करोगे तब भी यहाँ पर अगर आप धन आवेशित छड़ लिए हो, धन आवेशित छड़ है तो गोले पर ऋण आवेश आएगा, उसके विपरीत आवेश आएगा, अगर यहाँ पर हम ऋण आवेश लेंगे, अगर ऋण आवेशित छड़ लिए होते तो गोला धन आवेशित होगा, उसका उल्टा होता, उसका विपरीत होता, ठीक है ना, चालन द्वारा आवेशन में क्या होता है, समान चार्ज आता है, मतलब अगर धन आवेशित गोला है तो उदासीन गोला भी धन आवेशित होगा, इतनी बात आई थिंक आपको समझ में आई, जब भी अगर बोर्ड में आएगा लिखने के लिए तो आप क्या करोगे, बोर्ड में जब भी लिखने के लिए आएगा तो आप ऐसे स्टेप बाय स्टेप करोगे, ऐसा नहीं लिखना है आपको, लाइन वाइज ऐसे नहीं लिखना है, कॉलम बनाकर नहीं लिखना है, ये तो हमने पढ़ाने के लिए आपको बता दिया कॉलम वाइज, अदरवाइज आप पूछ लेंगे घर्षण द्वारा आवेशन क्या होता है समझाओ, तो आप जितना मैंने लिखा है यहाँ पर ये समझा के आना है विद डायग्राम, डायग्राम भी ऐसे नहीं जैसे मैंने बनाया है, अपने हिसाब से बनाओ, अपने हिसाब से कॉन्सेप्ट है अपने हिसाब से बनाओ, ठीक है ना, चालन द्वारा आएगा तो ये लिख कर आना विद डायग्राम, और प्रेरक द्वारा ऐसे करके आना, जो जो स्टेप है, पहला स्टेप ये हुआ, दूसरा स्टेप ये है, अब फिर उसके बाद भूसंपर्क मिलाएंगे, भूसंपर्क के बाद हटा देंगे, इतनी चीज़ें आपको वहाँ करके आना है, तब आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, ठीक है ना, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में कुछ नई एनर्जी के साथ और ऐसे ही कॉन्सेप्ट के साथ।